अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पापावरीन इंजेक्शन के बारे में। पापावरीन इंजेक्शन 50 mg/2 ml में आता है। इसका जेनेरिक नेम पापावरीन हाइड्रोक्लोराइड है। ये एक वैसोडायलेटर ड्रग है जो कि स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, जिससे ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो पापावरीन इंजेक्शन चेस्ट पेन में, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, हार्ट अटैक में और स्टमक ब्लैडर डिसऑर्डर्स में और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का मेन रोल स्मूथ मसल पर ही है। जब ये इंजेक्शन देते हैं तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। पापावरीन इंजेक्शन इंट्रावेनस इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको रग में लगाया जाता है। इसका जो डोज है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। ये इंजेक्शन इंट्रावेनस 1 से 2 मिनट में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन लगाने से पहले ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग लाजमी करनी चाहिए और इंजेक्शन लगाने के बाद भी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये इंजेक्शन हाइपोटेंशन काज कर सकता है। पापावरीन इंजेक्शन स्मूथ मसल स्पाज्म में मेन रोल प्ले करता है। स्मूथ मसल स्पाज्म की वजह से अगर चेस्ट पेन हो रही हो, सर्कुलेशन प्रॉब्लम यानी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम आ रहे हो, या हार्ट अटैक हो, या स्टमक गाल ब्लैडर के डिसऑर्डर्स हो, तो पापावरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। स्मूथ मसल्स स्पाज्म की वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो तो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए पापावरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए पापावरीन इंजेक्शन पेनिस की बेस में लगाया जाता है और ये एक प्रोलॉन्ग थेरेपी होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।